इससे पहले कि मैया को संदेह हो जाए मुझे जाना होगा शनिदेव। प्रभु कृपया अपने विराट रूप के दर्शन दीजिए। चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरु है षडम सहार वक्षस्थलाशोभिकास्तुभम् नमामि विष्णु मुझे पंछी की छाया। यशोदा क्या हुआ, क्या देख रही हो? जानवर को लगो जैसे लल्ला की ना कोई पंछी की छाया हो। पंछी? अब ना मुझे तो लग रहा है जो गिलहरी की छाया। यशोदा बालक नीलमणि है और बालकों वाले काम तुम कर रही हो। अरे प्रकाश और छाया से खेलने का काम लल्ला के लिए छोड़ दो। अरे परंतु ये देखो झरोका खुलो है, ठंडी बयार चल रही है, लल्ला को ठंड लग जाएगी, बंद करो जाओ। हाँ 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 लल्ला, ए लल्ला। आज सब कितने सज धज के आए थे तुझसे मिलने के लिए, जैसे दीपावली हो। अरे लल्ला सिवाय इनके देखो। जब से चिच्ची मथुरा से लौटी है इनका सजना सवरना सब छूट गया है। मैया तब तो हमें अवश्य ही कुछ करना चाहिए। सुनो जी हमें अवश्य कुछ करना चाहिए। जी इसे देखो ना तो जी थको है ना इसकी आंखों में नींद है। हो सकता है इसका भी मन हो अपनी बड़ी माँ से बात करने का। लल्ला डरने की क्या बात है, बस थोड़ी आंधी तो है। लल्ला 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 जीजी। अरे यशोदा नंद भैया। चिची ये नीलमणि के षष्ठी पूजन का उपहार है। यशोदा नंद भैया मैं आप दोनों की भावनाओं का सम्मान करती हूँ। आप दोनों को तो पता है
मेरे हृदय में नीलमणि के प्रति अत्यधिक प्रेम है। यशोदा, तुम तो जानती हो मैं ऐसे वस्त्र नहीं पहनती। स्त्री का श्रृंगार उसके पति से होता है और मेरे पति तो उस महादुष्ट कंस के कारागार में बंदी है। ऐसे में इस रास रंग का झूठा दिखावा कैसे करूं नंद भैया? अभी समय नहीं हुआ है, इसीलिए विवश हूँ। पर आपका दुख मैं भली भांति समझता हूँ बड़ी माँ। दिन रात ये भय लगा रहता है कि कभी भी उस कंस के सैनिक आएंगे और मेरे पुत्र को मुझसे दूर ले जाएंगे। इस आशंका में मैंने उसका बालपन भी खो दिया है। उस नन्हे से बालक को चार दीवारों के भीतर बंद करके रखा है मैंने। थोड़ी देर और, बस तेरे बाबा अब भी आते ही होंगे। भाभी, आपका पुत्र हमारे नीलमणि का बड़ा भाई, आप उसे खुली हवा में सांस लेने दें। मेरा विश्वास करें, आप दोनों गोकुल में पूरी तरह सुरक्षित। चिची, नारायण के घर देर भले ही किंतु अंधेर ना है, बस कुछ समय का कष्ट और है चिची, फिर सब ठीक हो जाएगा। और ये देखो नीलमणि स्वयं आओ है आपको उपहार देने के लिए। इसे भी मना करोगे आप? नीलमणि, बस आज हट मत करना। मैं तुम्हारी ताऊ जी से मिलूंगी ना, तब नए वस्त्र गहने सब पहनूंगी, साज श्रृंगार करूंगी, तब पूर्ण अधिकार से देना तुम अपना उपहार, किंतु आज नहीं। बड़ी प्रसन्नता की प्रतीक्षा में छोटी छोटी प्रसन्नताओं को त्यागना नहीं चाहिए बड़ी माँ। जीवन तो परमात्मा का उपहार है, उसे जीना चाहिए। चिची, बड़ी प्रसन्नता की प्रतीक्षा में जीवन की छोटी छोटी प्रसन्नताओं का त्याग ना करना चाहिए। जीवन तो परमात्मा का उपहार है, जीवन तो जीनो चाहिए। नंदराज, 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 क्या हुआ? भोला बंसी, तुम दोनों यहाँ? जी, वो उपनंद जी ने कही थी कि आपको वार्षिक कर के बारे में स्मरण करा दूं, इसलिए हम दोनों चले आए। अरे हाँ, नीलमणि के आने की प्रसन्नता में मैं तो भूल ही गया था। अधिक देर होने पर कंस की दृष्टि में आने का संकट। कोई ना, मैं कल मथुरा जाकर कर जमा करा दूं। अरे किंतु कल तो लल्ला का पालना उत्सव है। सुनो जी, शीघ्र ही आना। भैया, हो सके तो अपने भैया और बहन देवकी का समाचार भी पूछ लीजिएगा। जी भाभे, इस बार कछु समस्या नहीं होनी चाहिए। जे बार आज मथुरा से कछु अतिथि आए थे, उन्हें पता चलो है कंस ने राजा वासुदेव और रानी देवकी को कारागार से बाहर निकाल लो है और अपने महल में रख लो है। ये तो अत्यंत शुभ समाचार। तुमने पहले क्यों ना बताया? हमें लगो आपको पहले से पता होगी महाराज। अच्छा ठीक है, जाकर तैयारी करो, कल तुम दोनों भी मेरे साथ चलोगे। जाओ। भाभी, यशोदा ने कहा था ना कि नारायण के घर देर अवश्य, परंतु अंधेर ना है। प्रतीत होता है हमारा नीलमणि सबके लिए सौभाग्य लेकर आया है।
सच्ची भाभी नारायण का वरदान है जे बालक। भाभी अब हमें चलना चाहिए। और हाँ कल वसुदेव भैया और देव की भाभी से बिना मिले वापस ना आऊंगा मैं। उन्हें कह दूंगा और बता दूंगा कि कितना स्मरण करते हो आप उन्हें। चिच्ची शुभ समाचार मिलो है, अब तो जो उपहार स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ यशोदा अत्यंत शुभ समाचार आया है और अपने साथ ही आशा भी लाया है कि अब शीघ्र ही उनसे मिलना संभव होगा। तुमने सत्य कहा था यशोदा, जीवन जीना चाहिए। मैं भी जीऊंगी, छोटी छोटी प्रसन्नताओं को मनाऊंगी, अपना ध्यान रखूंगी, फिर से सजूंगी सवरूंगी। अब जब वो मुझसे मिलने आएंगे उनका स्वागत करूंगी, उन्हें वैसे ही मिलूंगी जैसे जैसे उन्हें छोड़कर आई थी। मैं आपको आपके दुख से मुक्ति दिलाऊंगा, बस कुछ समय तक और प्रतीक्षा कर लीजिए बड़ी माँ। कब तक बचेगा शिशु विष्णु? आज नहीं तो कल तू मेरा निवाला अवश्य बन जाएगा। कल तुमसे भेंट होगी पूतना। कहाँ है तू शिशु विष्णु? शीघ्र ही तुझे आहार बनाऊंगी मैं। तुमने बहुत दुष्कर्म कर लिए पूतना, अब तुम्हारे आतंक का अंत करूंगा मैं। करती हो मैया, मैं हूं ना। नेत्र खुले रहे तो मैया पक्का घबरा जाएंगी। यशोदा क्या हुआ? अरे बोलो ना, कोई बुरो सपनो देखो? ना स्वप्न तो ना था, किंतु मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लगो जैसे नीलमणि को कुछ। ये देखो नीलमणि तो शांति से सो रहा है, तुम ना व्यर्थ ही व्याकुल हो रही। बाबा सही कह रहे हैं मैया, कुछ नहीं होगा मुझे। सुबह होने में अभी समय है, व्यर्थ की चिंता को झटक सो जाओ। अच्छा ऐसे कैसे झटक दूं चिंता? नींद अचानक खुलो है मेरी, इसका अर्थ है अवश्य कोई बुरी दृष्टि है मेरे लल्ला पर। आप भी कल जा रहे हो मथुरा? सुनो जी जाना आवश्यक है, रुक ना सकते आप। कर जमा करानो है यशोदा, कल अंतिम दिन है, यदि वो निकल गए तो नारायण ही जाने वो कंस क्या करेगा। जानो आवश्यक, पिछले 6 दिन से नित्य कोई ना कोई कर्म कांड संस्कार चल रहा है, इसीलिए तुम थक गई हो, तनिक विश्राम कर लो सो जा। देखो नीलमणि भी जय कह रहा है
कि मैया मोरी विश्राम कर लो, सो जाओ। कल मेरो पालना उत्सव मनानो है कि ना? सो जाओ। की गंध पर अब तो भूख भी मिट गई है। एक रात का समय बचा है बालक, जी ले। कल सूर्य की पहली किरण के साथ अंतिम सांस लेगा तू। संतान के लिए मैया का कैसा अद्भुत प्रेम है ये। पूतना की छाया से ही इन्हें आने वाले संकट का आभास हो गया। जब कोई बैलगाड़ी से यात्रा करता है तो गाड़ी पर चढ़ते ही सामान की गठरी नीचे रख देता है, उसे पूरे समय अपने सिर पे ढोते हुए यात्रा नहीं करता। उसी प्रकार आप भी अपनी चिंता की गठरी मुझे सौंप दो मैया, मैं सब संभाल लूंगा। जैसे आप थपकी देकर मुझे सुलाती हो, वैसे ही आज मैं आपको सुलाऊंगा। वचन देता हूँ मैया, जिसने आज आपकी निद्रा भंग की है, कल उसे चिर निद्रा में सुला दूंगा मैं। गाड़ी तैयार है नंदलाल जी। उपहार और मिठाइयाँ तो ठीक है, किंतु भोजन रखो है कि ना? हाँ भाभी, रख दियो है। और भोजन ऊपर रखो है कि मिठाई? भोजन ऊपर रखो है भाभी। मुझे लगो ही था, अब मिठाइयाँ पिचक जाएंगी ना? हाँ भाभी, तो अभी मिठाइयाँ ऊपर रख देते हैं। क्या होगा बंसी भैया, फिर मिठाइयों का रस भोजन में चला जाएगा ना? मैया, ऐसे पूछताछ करोगी तो हड़बड़ा तो जाएंगे ही। अरे भोला बंसी, अरे भोजन और मिठाइयों को अलग अलग रखो भाई, यही कह रही हो ना सुधा? अरे वाह, आज हमारा राजकुमार जल्दी उठ गए। इसे भी पता है पालना उत्सव में इसके बाबा ना होंगे इसके साथ, इसीलिए विदा करने आ गए है। फिर कोई ऐसो कर्मकांड ना होगो जब मैं ना हूं। बस आज जाने दे लल्ला, सबको जाकर अपने हाथों से मिठाइयां भेंट करूंगा और सबको बताऊंगा कि इतना सुंदर इतना प्यारा लल्ला का बाबा बन गो मैं। भैया के अत्याचारों की कोई सीमा ही नहीं। हमारे पुत्र को ढूंढने के लिए अब उन्होंने पूतना को आदेश दिया है। वो केवल महाभयंकर ही नहीं बल्कि मायावी भी है। हमें किसी भी प्रकार से ये सूचना गोकुल भिजवानी होगी। सत्य कह रही हो देवकी, मुझे भाई नंद को किसी भी तरह सावधान करना ही होगा, किंतु कैसे? हमारे लल्ला के बारे में जानकर सबसे अधिक कौन प्रसन्न होगा पता है? वसुदेव भैया,
सत्य कहा आपने। बड़ी माँ, नए वस्त्रों में ये हुई ना बात। बहुत बहुत अच्छी लग रही हो रोहिणी जीजी, सच्ची। आपने जीवन में फिर से रुचि लेना आरंभ कर दियो है, ये जानकर वसुदेव भैया की प्रसन्नता दुगनी हो जाएगी। ये उनके लिए मेरे हाथों से बनाए पेड़े मथुरा के पेड़ों से भी अधिक प्रिय है उन्हें, और ये देवकी के नवजात कन्या के लिए। कहिएगा केवल वस्त्र नहीं है, अपना आशीर्वाद भेजा है मैंने। सच में यशोदा, नीलमणि एक आशा का दूध बनकर आया है मेरे जीवन। नंद भैया उनसे ये भी कहिएगा कि मैं और उनका पुत्र हम दोनों ही यहाँ कुशल से हैं। अगर ईश्वर ने चाहा तो शीघ्र ही उनसे मिलना संभव होगा। वसुदेव भैया और देवकी भाभी से बहुत सारी बातें करनी, यदि विलंब हो जाए तो चिंता मत कर, जाने से पहले धल्ला को हृदय से तो लगा लो। विचित्र सो क्यों लग रहा है मुझे? बाबा, आपका पुत्र है ना यहाँ, सब कुशल मंगल ही होगा। चलता हूँ। ध्यान रखो। जय राम जी की। कहां से आरंभ करूं आज? रचपुरा, रानी घाट, देतिया, बरसाना या गोकुल? यही तो चाहता था मैं कि तुम यहाँ आओ। जिज्जी। बाबा अभी गए भी ना कि जे अभी से उनकी प्रतीक्षा करने लगो है। देख रही हो जीजी? हमें लगो कि नीलमणि हमारी प्रतीक्षा कर रहे है। तू देखो नीलमणि, हम आ गए। आ गए तुम सब? पालना उत्सव की कछु पड़ी भी है कि ना? आप कहो तो आप यहीं बस जाइए यशोदा भाभी, फिर तो कभी देर ना होगी। ना ना, ऐसी भूल मत करना। अच्छा, जो तनिक समय मुझे मेरे लल्ला के साथ मिलतो है वो भी छीन लो सब मुझसे। जीजी, आप चिंता मत कीजिए, ना हमारी और ना ही पालना उत्सव की तैयारी की। रोहिणी जीजी ने कल ही सब कुछ समझा दियो था। क्यों रोहिणी जीजी? तो बस चलो संभाल लो सब कुछ। हाँ, तुम सब जाओ और अब मैं अपने लल्ला को संभालूंगी। बहुत अच्छे से तैयार करूंगी तुझे।
हाँ, अभी आई तेरी मैया। अभी आई। मुझे भी एक विशेष तैयारी करनी है आज। विचित्र सा आकर्षण है बरसाना में, यहीं से प्रारंभ करती हूँ आज का तांडव। ना ना, बरसाना नहीं, कोई और स्थान भी नहीं, आज तो पूतना को यहीं आना होगा मेरे पास। बड़ा गांव है, इतने सारे व्यक्ति हैं, अनेक बालक मिलेंगे यहाँ। किंतु मैं तो नहीं मिलूंगा ना। अरे, मैं यहाँ प्रतीक्षा कर रहा हूँ और वो वहाँ जा रही है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। आ गओ तेरी मैया, आ गओ तेरी मैया। ऐसा रूप निखरेगो मेरे लल्ला का, सब देखते रह जाएंगे। हाँ, मुझे तो इस बात की चिंता है मैया, कि जिस रूप में मैं पूतना का सामना करूँगा, आपने मुझे उस रूप में देख लिया तो आपकी ममता से वंचित नहीं होना चाहता हूँ मैं, किंतु पूतना को अब और अधिक आतंक भी फैलाने नहीं दे सकता। खुदगुदी हो रहा है? मधुर किलकारी की प्रकृति भी खिल उठी, कहीं ये ध्वनि विष्णु की तो नहीं? यही तो चाहता था मैं कि तुम यहाँ आओ, बस मेरे पालना उत्सव में विघ्न मत डालना पूतना। मैया बहुत उत्साहित है आज। तैयारी में कोई कमी न रहे। अरे, इसे थोड़ा नीचे लगाना ना। देख रहे लल्ला, मैं यहाँ तुझे तैयार कर रही हूँ और बाहर तेरे लिए तैयारी चल रहा है। बहुत मगन होके मनाएंगे तेरा पालना उत्सव। इससे पूर्व कि जे सब अपना कार्य समाप्त करके मेरे सर पे नाचे, मुझे तेरा साथ सिंगार पूरा करना है। पोशाक तो पहना दिए नहीं, अब ऐसा मुकुट पहनाऊंगी कि सबकी आंखें चौंधी आ जाएंगी तेरा रूप देख के। हाँ मेरा लल्ला। यहाँ तो कोई शिशु दिखाई नहीं दे रहा, एक एक घर का विध्वंस क्यों ना करना पड़े। मैं अपने आहार को ढूंढ के रहूंगी। आज विध्वंस नहीं होगा पूतना। मैया ने अभी अभी क्या कहा, लगता है तुम्हें सुनाई नहीं दिया। बता लल्ला, अच्छा लगो? हाँ कि ना? बता। ओहो,
बिल्कुल सही आभास हुआ था मुझे, ये विष्णु ही है। पर मेरा लल्ला तो पूरा सच गया है, मुख पे ऐसा तेज है कि इसके आगे किसी को कछु और दिखाई ना देगो। मुख पे ऐसा तेज है कि इसके आगे किसी को कछु और दिखाई ना देगो। अभी आई। ऐसे चौंक क्यों गई पूतना? मैं ही हूँ जिसे तुम कब से ढूंढ रही थी। तो तू है विष्णु अवतार, स्वयं को कंस का काल समझता है। आज मैं बनूंगी तेरा काल, मूर्ख शिशु। इतनी सारी मिठाइयां, कर देने में अधिक समय लगा तो हमारा मुख मीठा करके कृपा पाना चाहते हो नंदराज? मैं तो छोटे से गांव का सीधा साधा ग्वाला हूं महाराज, राजधानी की राजनीति के दाव पेच मैं ना समझता, बस अपनी प्रसन्नता आपके साथ साझा करो। मुझे पुत्र हुआ जी, वो भी इतने वर्षों के बाद, इसीलिए कर्मकांड में व्यस्त हो गया। कब हुआ तुम्हारे पुत्र का जन्म, कितने समय पहले? बस 7 दिन का हो गया महाराज हमारा लल्ला। उतना के लिए एक और नवजात शिशु, तुम्हारी प्रसन्नता पर तो आकाश टूट पड़ेगा जब तुम्हारा पुत्र स्वर्ग से धारेगा। वाह, फिर तो मिठाई खाना आवश्यक है। बधाई हो नंदराज, बधाई हो। महाराज आज लल्ला का पालना उत्सव मनाया जा रहा है। अरे तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आओ जाओ, अपने पुत्र के उत्सव का आनंद लो। वो क्या है ना नंदराज, जब भाग्य शुभ सूचना दे उसको खोना नहीं चाहिए, मुट्ठी में। मुट्ठी में दबोच लेना चाहिए। जाओ जाओ। जी महाराज। समय से पहले ही कार्य हो गया, बस अब वसुदेव भैया से मिलके शीघ्र ही घर लौट चलूंगा। अत्यधिक स्वादिष्ट, यही कहेगी पूतना भी जब वो तुम्हारे शिशु को अरे शीघ्र चलो, पालना उत्सव आरंभ ना हो जाए, नहीं तो नीलमणि को झुलाने का अवसर ना मिलेगो। तो उसका पालना उत्सव है आज। अब देख चलिए विष्णु, तेरी मैया के साथ कैसा छल करती हूँ मैं। चलो चलो।
मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके बहुत बड़ी भूल कर दी है तूने। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, किंतु मैं तेरा अस्तित्व नष्ट कर दूंगी। हो गो मेरा लल्ला तैयार, हो गो मेरा लल्ला तैयार। श्लेषा नक्षत्र है पूतना, मृत्यु योग है। यदि अभी तुमने गोकुल की सीमा में प्रवेश करने का दुस्साहस किया तो परिणाम की उत्तरदायी तुम स्वयं होगी। सत्य कहा तूने, मृत्यु योग ही है आज तेरा। देख, तेरी मृत्यु गोकुल में प्रवेश कर रही है। रोक सकता है तो रोक के दिखा। काले विपरीत बुद्धि, एक बार पुत्तन गोकुल में प्रवेश कर गए तो वहां विनाश का तांडव होगा, मृत्यु नाचेगी और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कुछ कीजिए स्वामी, संदेशा भिजवाइए अपने भाई को। देवकी, महल के कोने कोने पर कंस के गुप्तचरों की दृष्टि है। इस कक्ष से निकला कोई भी संदेश कहीं और पहुंचने से पहले उसके कानों में पहुंचेगा। पर हमारा पुत्र देवकी, आप यहाँ सब ठीक तो है? आप दोनों इतने भयभीत क्यों? मैं तो मासिक कर देने आयो हूं, पता चलो कि बिटिया हुई है और कंस ने आप दोनों को कारागार से मुक्त कर दियो, तो मिलने और बधाई देने चले आयो। और सच बात तो ये है कि मैं भी एक शुभ समाचार सुनाने आयो। नारायण की कृपा से यशोदा की गोद भर गई, लल्ला हुआ है हमारे यहाँ। क्या हुआ भैया? भाभी, आप दोनों प्रसन्न ना है? नहीं, बहुत प्रसन्न है हम। आपको बहुत बहुत बधाई। पुत्र को हृदय से लगाने का सुख नहीं ले सकता, किंतु जिस छाती ने उसे अपने से लगाया है, जिन बाहों ने उसे अपनी गोद में उठाया है, उनका स्पर्श तो कर ही सकता हूं। भैया, पुत्र स्वस्थ तो है ना? वो दूध ठीक से पीता है ना? और भाभी जी उसे डकार दिलवाती है ना? नींद ठीक से होती है उसकी? भोजन विश्राम सब आवश्यकता के अनुसार कर रहा है ना? और भाभी जी से कहिएगा कि उसे केवल कोमल वस्त्र ही पहनाए और उसके सोने का गद्दा भी कोमल होना चाहिए। देवकी को रोकना होगा, अन्यथा अभी सारा भेद खुल जाएगा। एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, उसके नहाने का जल ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और देवकी, सांस तो ले लो। इतने सारे निर्देश, इतने सारे प्रश्न। भाभी आप चिंता मत करो, हम हमारे लल्ला का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे। यशोदा तो ममता में बावरी हो गई, क्षण भर के लिए भी नीलमणि को स्वयं से दूर ना करती, हृदय से लगा के रखती।
आज लल्ला का पालना उत्सव हो रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि यशोदा ने कोई कमी ना छोड़ी होगी। लल्ला को इतना अच्छे से सजाया होगा कि बस पूछो ही मत। यदि हम भी वहां होते तो अपने नेत्रों से देख पाते उसे। इतना सुंदर लग रहा होगा उसके माथे का मोर मुकुट, जैसे उसकी सुंदरता में चार चंद्र लगा देते हैं, और उसके नेत्र मानो कमल के फूल, शांत धीर गंभीर। किंतु नटखटपन से भरे हुए और रंग की तो आप पूछो ही मत। ऐसा लगता है जैसे दोपहर की कड़ी धूप के बाद शाम की शीतल मंद मंद बयार चल रही हो। आज जब लल्ला पालना उत्सव में सत सवर कर आए हो ना, तो सब के सब मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। लो भाई, मेरा लल्ला तो सज धज के आ गो है। अब तुम सब बताओ, इसका पालना सजो की ना? बिल्कुल तैयार है यशोदा जी। देखो लल्ला के उपयोग के लिए कितना प्यार बोले। चल लल्ला, आराम से। अद्भुत बात तो ये है कि आप ही की तरह यशोदा भी उसकी बहुत चिंता करती है। आज पालना उत्सव में भी तरह तरह के प्रश्न करेगी। जब तक सब कुछ जांच परख ना ले, तब तक वो लल्ला को पालने में ना लिटाएगी। कहो भाभी, कैसा लगो पालना? लल्ला का है पालना, ये ही बताएगो। कैसा लगो? लो जीजी, लल्ला ने तो हाँ कर दे। तो पाला उसब आराम करें। रुको, पहले मुझे देख तो लेने दो, पालना ठीक तो है ना? है तो सुंदर, किंतु सुरक्षित भी तो होना चाहिए। जे फूल जे आज के ही है ना, कीट पतंगे तो ना लगी इनमें? ना भाभी, आज सवेरे ही मैंने और जानकी ने स्वयं तोड़े हैं, फिर उन्हें धोया, तब जाके सजाया है इसे। और जे मोर पंख, इनकी नुकीली सिरे भीतर की ओर तो ना है? मेरे लल्ला को चुभ गई तो? बाहर की ओर ही है जीजी, मैंने स्वयं लगाए हैं। और जे गद्दा और उनके बस्त्र सब कोमल है ना? आपके सारे निर्देशों का ध्यान रखो है हमने। अच्छा अच्छा, और जे पालना जे सुरक्षित तो है ना? भार उठा लेगो ना मेरे लल्ला को? जे क्या कर रही हो सब? अरे मैं मैया हूँ, सदैव सावधान रहनो चाहिए। हाँ नहीं तो प्रसन्न हो गया भैया ये सब जानकर, बहुत प्रसन्नता हुई। भैया, रोहिणी दीदी कैसी हैं? उनका पुत्र स्वस्थ तो है ना? हाँ भाई नंद, रोहिणी कैसी है? सब कुशल मंगल है। मेरी भाभी और भतीजा दोनों आपको बहुत स्मरण करते, आपकी प्रतीक्षा कर रहे। नंद भाई, मेरी ओर से क्षमा मांगिएगा अपनी भाभी से। उनसे कहना मैंने जो कुछ भी किया
उन्हें कंस के अत्याचारों से बचाने के लिए किया। वो समझती आपकी परिस्थिति का आभास है उन्हें। नो, मैं तो भूल ही गई, भाभी ने आपके लिए पेड़े और बिटिया के लिए वस्त्र भेजे। बिटिया कहाँ है? क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? आकाशवाणी में मेरे आठवें पुत्र का उल्लेख था, पर उसने मेरी गोद से मेरी पुत्री को छीन लिया और तो फिर नारायण के अवतार वो कहां गए? वो नारायण की लीला वही जाने, किंतु अब तक अवतार की मृत्यु ना कर पाने के कारण कंस क्रोध में अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। उसने उतना नाम की अत्यंत भयानक राक्षसी को उन सभी बालकों की हत्या करने का आदेश दिया है, जिनका जन्म पिछले 10 दिनों में हुआ। भाई नंद, इसलिए आप सावधान रहिए। यदि उसे पता चला कि आपको पुत्र हुआ है, वो भी 7 दिन पहले, तो अनर्थ हो जाएगा, कब हुआ तुम्हारे पुत्र का जन्म? कितने समय पहले? बस 7 दिन का हो गया हमारा लल्ला।